हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, उठ गई हूँ, नहाई नहीं हूँ अभी, बहुत जल्दी उठ गई हूँ। एमी को फीड कराया है, उसको सुलाया है और अब जो मैं जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद बिठाऊँगी माता की चौकी, तो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले आप सबको हैप्पी नवरात्रि फर्स्ट। तो चलिए चलते हैं जी, मैं रखने वाली हूँ अपने पूरे फास्ट। ये देखिए दोनों पापा बेटा सोने लग रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं नहा ली हूँ, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया, तैयार कुछ भी नहीं हुई हूँ। मैंने डाला है ये वाला सूट। पहले दिन बोलते हैं नवरात्रि के, फर्स्ट नवरात्रि पे येलो डालना चाहिए, इसलिए मैंने येलो डाला है। मम्मी भी उठ गई है, मम्मी गई है आम के पत्ते लेने के लिए क्योंकि आम के पत्ते मंगवाए थे जो, वो एक एक सिंगल सिंगल लिया है पर वो पूरी टहनी होनी चाहिए, 5 या 7, तो वो लेने गई है। और बस उसके बाद फिर हम करेंगे पूजा स्टार्ट। तो मम्मी ले आई है, ये देखो कितने सुथरी टहनी लेके आई है। पहले अलग अलग लेके आए थे, वो चलेंगे नहीं, तो ये देखो अब ये चल के करते हैं पूजा। तो गाइस मंदिर में आ गए हैं और आज फर्स्ट डे है ना, तो मैं नहीं कर रही हूँ, मम्मी कर रही है। मैं मम्मी को सारी चीज़ें बता रही हूँ कैसे कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं लेके आए थे, माता की चौकी भी, लाल कपड़ा भी, माता की नई मूर्ति भी, क्योंकि मुझे लगा मैं मंदिर नहीं उतारती हूँ, क्योंकि हर बार मैं बड़ी चौकी लगाती थी और उसमें मंदिर अपना नीचे उतारती थी। अब की बार मैंने सोचा ऐसा कुछ ना करके सारी चीज़ें नहीं लेके आई हूँ मैं। माता दी एमी, जय माता दी। ओ बेटा जी, बीच में ये उठ गया भाई, तो मैं इसको संभालने आ गई। तो हमारी जोत जल गई है गाइस, और मैं अखंड जोत जलाऊंगी अब की बार फिर से। पिछली बार अखंड नहीं जलाई थी मैंने, अब की बार फिर से मैं अखंड जोत जला रही हूँ। ये मैं माता रानी लेके आई थी, नई मतलब नई मूर्ति लेके आई थी बिल्कुल। हमारी ना ज्योत बत्ती हो गई है, माता का आशीर्वाद ले लिया, मम्मी का आशीर्वाद ले लिया और एमी की भी आशीर्वाद दिलवा दिया। एमी को भी साथ में बिठा लिया था, तो बस अब ज्योत बत्ती हो गई है। अब हम चाय और उसके बाद पूरे दिन में क्या क्या खाऊंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मम्मी ने तो नहीं रखे फास्ट, मम्मी के थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है और वैसे भी मैं आ गई रखने के लिए, तो अकेली मैं ही हूँ घर में। नीतू ने भी नहीं रखे, उनसे भी मेरे ख्याल से भूखा नहीं रहा था, कभी रखे नहीं और मैं हर बार रखती हूँ। हेलो गाइस, तो भाई चाय पी ली थी हमने, जूत वगैरह कर दी थी, एमी को नहला दिया, एमी के पापा भी उठ गए, झाड़ू पोछा भी हो गया हमारा। तो अब मैं डाल रही हूँ मशीन में कपड़े, कपड़े हुए थे, और उसके बाद जो है ना कुछ खाने का बनाऊँगी मैं। क्या बनाऊँगी मैं और मम्मी दोनों मिल के नवरात्रि में ही, जो खा सकते, पता नहीं आप लोग क्या क्या खाते हो, हम क्या खाएंगे, कुछ नया ही ट्राई करेंगे। वैसे तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या मैं बनाने वाली हूँ। ओहो एमी रुक गया। तो भाई दोपहर का टाइम हो गया, तब मैंने रायता खाया था, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं है। अभी थोड़ी भूख लगी है, तो देखूंगी या तो कुछ बनाऊंगी या मैं पेठे की लेके आई थी, मुझे पसंद है। और ना हम पीछे से घूमने गए ना, तो काफ़ी सारा मेरे पास कलेक्शन इकट्ठा हो गया जिसकी मुझे वीडियोज़ निकालनी है। तो मम्मी और एमी यहाँ पे दोनों आराम से सो रहे हैं, और मैंने जो सुबह ड्रेस डाली थी उसकी तो निकल चुकी है, फिलहाल मैंने ये वाली डाली है। करवा चौथ लुक है, मैं दिखा भी देती हूँ उसकी फुल लुक कैसी है, आप देख लीजिए, काफ़ी लॉन्ग है। अच्छा लगे तो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो, आईडी में डाल दूँगी। बाजू पर ये वाला डिज़ाइन है, नेक ये वाली है, और पीछे से ये बैकलेस काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को चाहिए तो आप वहाँ से कलेक्शन ले सकते हो। साथ में है प्यारा सा दुपट्टा, ये देखिए। बस तो मित्तू गए थे बाहर, अभी आया जस्ट, क्योंकि ससुराल से आया सामान। पापा ने क्या क्या भेजा है मित्तू, दिखाऊंगी मैं क्या क्या भेजा। मम्मी को तो बताया होगा क्या क्या भेजा मम्मी। भाई लाल मिर्च राजस्थान वाली, गेहूं को थून, चाय की बोतल दी थी पापा की, गड़बड़ा था हम शिमला जा रहे थे, पापा ने पीछे से सामान भेज दिया और लस्सी हो गई खराब। इवन पापा बेटा का प्यार चल रहा था दोनों का। और क्या भेजा, और बहुत सारा आशीर्वाद। तो गाइस यहाँ पे बन रही है हमारी आज
आज आलू वाली सब्जी और ये मटर वाली। मटर कौन खाएगा? वो अपनी बनावांगे लगते। अच्छा, ये सिद्धा नमक, ये अदरक, हरी मिर्ची, ये हरे धनिया, ये कड़ी पत्ता। ये बनेगी व्रत वाली सब्जी, है ना? हाँ। और फिर वो अपनी बना लेंगे। ओके, तो ये आ गया मेरा नवरात्रि का खाना, कुट्टू का और सिंघाड़े का आटा मिला के रोटी है, ये सब्जी है आलू वाली, और ये है भाई खीरे का रायता। तो ये है मेरा मतलब शाम का खाना, जो तो कर दी थी मैंने, बस अभी खाऊंगी खाना। मैंने ना डिनर कर लिया, मतलब के खाना खा लिया अपना फास्ट का, और ना इनको ना आज अपना पुराना फोन मिला है, 2-3 साल पुराना, और ये ना मुझे दे नहीं रहे, कुछ ना कुछ घपला है ना। और हमारा बेटा उठ गया है, ए 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 ओ ओ ओ ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ। देखा कैमरे में पूरा फोकस कर दिया लड़का। आ गई हूँ अंदर रूम में, और अब निकाले हैं एमी के कपड़े, और कुछ और भी रखे हैं निकाल लेते हैं। और कुछ कपड़े जो है मैंने ऑलरेडी पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि ये वाले कपड़े ना इसको ना छोटे हो गए हैं, तो ये मुझे रखने हैं बेड में, इसमें निकाल दिए हैं। और कुछ जो सिर्फ विंटर के हैं ना वो निकालूंगी बाहर, बाकी ना सब अंदर रख दूँगी। और बहुत सारे कपड़े ना इसके ऐसे जो इसने एक बार भी नहीं पहने, वो लाए और वो रखे हुए हैं, उसका पहनने का नंबर ही नहीं आया, मतलब पहनाए ही नहीं, कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि देखो, ये लेके आए थे हम इतने प्यार से, ये इसके लिए नई बनियान लेके आए थे जो एक बार भी नहीं पहनाई, ये सैंडो लेके आए थे नहीं पहनाई, ये सैंडो लेके आए थे नहीं पहनाई, ये एक और बनियान लेके आए नहीं पहनाई, बहुत सारी चीज़ है। ऐसे वाले पोतड़े लेके आई थी 6-7 जो यूज़ ही नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनटच हैं, उनको रख दूँ जो अभी काम नहीं आएंगी। हेलो गाइस, तो भाई मैं जो है आई तो थी काम करने के लिए, पर ये हमारा जो हमारा बेटा है ना, ये रोने लग गया, तो इस करके ना मैं तो इसको फीड कराने लग गई, मम्मी आई है फिर मेरी हेल्प करवाने के लिए, मान जा। और ये इतना चिड़चिड़ा सा हो रहा है, अब भी फोन की तरफ देख रहा है, अब ना दिखाऊं तो ना फोन, बिल्कुल ना दिखा रही, हाँ ड्रामे कर रहा। ये मैंने अलग अलग छाट दिए थे, रख मम्मी रही है, बेटा बस रे, बिल्कुल जुलम कर दिया तो ना। ये 3 बैग निकल गए एक्स्ट्रा इसके, अभी 2 महीने का हुआ है मम्मी, 3 बैग पैक हो गए इसके। ये बेड में रखा, ये जिसमें इसने ना सिर्फ एक एक दो दो बेड ड्रेस पहनी है वे है, और कुछ ऐसी है जो बिल्कुल ही टच नहीं कर रखी, अनटच। अगर तेरे 2 महीने के इतने कपड़े हैं तो आगे क्या हाल करेगा भाई तू, है तेरे से पूछ रही मैं, बताओ, पब्लिक सवाल मांग रही तेरे से, बता क्या करेगा, मान ही नहीं रहा, सुबह से रोई 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 रोई। हाँ क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या आप, कुछ बोल रहे हो क्या, कुछ बोल रहे हो क्या आप, एबू 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 एबू। गाइस, अच्छी चीज बताने वाली हूँ आज आप लोगों को, मुझे मिला एक बढ़िया सा गिफ्ट जो कि मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, ये देखो आप सबके सामने ही ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या है। ये कह रही है मम्मी, मम्मी के मुंह से सुनते पहले, तो ये गिफ्ट किस खुशी में दिया आपने? ये वो भाई, मैं गांव में गई थी ना, हाँ बाजार गई थी, हाँ जद ले आई थी, हाँ और फिर मेरे दिमाग से बात उतर गई। अच्छा, दरियो रोयो, आज मैं सुबह देखियो फिर मोहल्ले पे दूंगी दूंगी, फिर भूल गई मैं, एमी दिन में कुछ याद करने दे तो याद करा, ये मेरे ध्यान में आई, मैं नहीं सोचा थी इस प्रेस करूं सूट का तड़का वा आओगी वो नहीं दे दो, फिर मेरा हाथ लग गया अलमारी में, मैं कहा आज दूं तन, चल आज बढ़िया मौके से पहला नवरात्रा से आज तन दे दो, पहले नवरात्रि पे मम्मी ने गिफ्ट दिया, और कल मैं इसमें डाल लूंगी, खोल के देख, देखियो एक बार, खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को क्या याद तो बना करती है। गाइस ये देखो, बहुत ही प्यारा सा कलर लेके आई है, मैंने पता ना थी, मतलब मम्मी भी थोड़ी प्यारी चीज़ लेकर आ सके मेरे लिए, और कह रही है कल इसमें जब सेकंड नवरात्रा है ना
तो जैसे कुछ डाल लेगी ना सूट वगैरह तो उस पर डाली, क्योंकि छोटा है ना ये, तो उस पर भी जाएगा। और कलर ये ऐसा है ना कि किसी भी उस पर जा सकता है, मतलब किसी भी उस पर चला जाएगा कलर पे, क्या बोलते हैं। ये देखो कितना सुंदर सा सिंपल सा है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है। अरे यार ये उलझना भी था क्या। देखो गाइस ये कितना सुंदर सा हार मम्मी ने दिया है, और साथ में ये देखो इसके नेकलेस मतलब वो है इयररिंग्स, तो ये पूरा सेट दिया है। कलर भी अच्छा है, सूट पे भी डाल सकते हो, ज़्यादा दिक्कत आती है ना ज़्यादा हैवी होता तो सूट पे उतना जचता नहीं है। ये वाला ना सूट के अकॉर्डिंग है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू मम्मी जी, बहुत अच्छा है। अब मेरा नंबर आपको सरप्राइज़ देने की, तो आने वाले नवरात्रों में मैं आपको सरप्राइज़ दे दूँगी बढ़िया सा, ठीक है। ओके किस किस की सासू माँ ने नवरात्र में उसकी बहुत गिफ्ट दिया भाई। मेरी सासू माँ ने तो देखो कितना प्यारा सा गिफ्ट दिया है, मस्त वाला सा, मजे आ गए। तो गाइस बस सोने का टाइम हो गया, आज का फास्ट बहुत बढ़िया गया। नवरात्रे किस किस ने रखे ये जरूर बताइए कमेंट करके भाई। मैंने तो रखे हैं, सारे रखे हैं, पहला वाला बहुत बढ़िया गया। इतना कुछ खास मैंने ना दिन में बनाई, क्योंकि ना आज ना एमी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं थी, ऐसे ही रो रहा था, तो कुछ ज़्यादा बना भी नहीं पाई, खा भी नहीं पाई, जो शाम को ही खाया दिन में चाय फ्रूट बस यही लिए। तो कल बनाऊँगी कुछ अच्छा सा सोचा मैं और मम्मी मिलके, तो वो शेयर करूँगी। और व्लॉग एंड करो मम्मी मम्मी ने कहा तू ही करता बने ठीक से। फिर आपने हार के बदले के चाहिए माँ बाप का आशीर्वाद होती रहा भाई, इन चीजा तक कुछ ना होता, सुनने चांदी इन चीजा तक मैं ना होता, प्यार तो लेके आई वही बहुत बड़ी चीज है। तो बस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड, और अब से मैं कोशिश करूंगी व्लॉग में थोड़ा एक्टिव होने की। मेरे को पूरा दिन बिजी रखता है एमी, वो नहीं होने देता है एक्टिव, हर टाइम करके रखता है। तो बस करते हैं व्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और कल सेकंड नवरात्रा है, तो कल देखती हूँ मेरे को पहले तो कौन सा कलर डालना, वो कलर का सूट डालूंगी, नेकलेस ज़रूर डालूंगी जो मम्मी ने दिया है। तो बस करते हैं वीडियो का एंड, बाय बाय।